तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर से पोकेमोन जर्नीज के आने वाले एपिसोड्स के कुछ नए टाइटल्स निकल कर आए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है और इनकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। जिनमें अच्छी बात तो ये है कि इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होने वाले है, मतलब 2-3 हफ्ते के गैप बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाल ही में जो एपिसोड आया था उसमें यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, मतलब आने में उसकी डेट आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन इस बार के एपिसोड्स लगातार आने वाले हैं वीकली, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, हमें आराम से एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एपिसोड 51, 52 और 53 के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो भी चैनल को देख रहा है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है, जिससे तुम्हें और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यार अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले एपिसोड 51 का टाइटल है द ग्रेट कामोनेगी ट्रायल। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो फारफेच को जैपनीज में कामोनेगी कहते हैं, और ये एपिसोड आएगा 15 जनवरी को। इस वाले एपिसोड में एश कैचम के फारफेच का कोई ट्रायल होने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि इस वाले एपिसोड में एश और गो के फारफेच के बीच में कोई ट्रायल हो, जिसके बाद में एपिसोड के एंड में इन दोनों के फारफेच में से कोई एक फारफेच इवॉल्व हो जाए। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में हमें एश का फारफेच इवॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसके चांसेस है कि यही वो एपिसोड होगा जिसमें एश का पोकेमोन इवॉल्व होने वाला है। और यार मैं इसे लेकर श्योर भी हूँ, क्योंकि हमें बहुत टाइम से इसके मर्चेंडाइज भी बताए जा रहे थे, और एक बार जो यार पोस्टर आया था, मतलब एक मर्चेंडाइज का पोस्टर, उसमें भी हमें गैलेरियन फारफेच को इवॉल्व होते हुए दिखाया गया था, तो इसलिए यार यहाँ पर चांसेस है कि हमें यहाँ पर एश का गैलेरियन फारफेच इवॉल्व होते हुए देखने को मिल जाए। और वैसे भी यार एश का लुकारियो भी इवॉल्व हो चुका है, तो हाँ अब इसकी बारी है। एनीवेज यार तुम सभी को क्या लगता है, इसमें एश या गो में से किसका पोकेमोन इवॉल्व होने वाला है, बताना मुझे कमेंट्स में। अगले एपिसोड 52 का टाइटल है हैंड्स ऑन एग्रीकल्चर स्टडीज वेयर इज डिगडा। तो यहाँ पर डिगडा का मतलब है डिगलेट, और ये एपिसोड आएगा 22 जनवरी को। तो यहाँ पर तुम एपिसोड के टाइटल को देखकर समझ सकते हो कि इसमें एश गोर कुहारू साथ में मिलकर शायद कुछ एग्रीकल्चर की स्टडीज में अपना हाथ जमाने वाले हैं, मतलब वो लोग हो सकता है कुछ स्टडीज करें जिसमें उन्हें डिगलेट के बारे में जानना है, आखिर डिगलेट कहाँ पर है। तो ये एपिसोड भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, पर इस एपिसोड के टाइटल से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ही समझ में आया है कि इसमें शायद हमारे तीनों कैरेक्टर्स मिलकर एग्रीकल्चर की स्टडीज करने वाले हैं। एनीवेज अब आखिरी एपिसोड 53 का टाइटल है गेटिंग अ लेजेंड सर्च फॉर सुइकून द गार्डियन डाइटी ऑफ वाटर। तो इस एपिसोड के टाइटल से ये बात तो साफ साफ समझ में आ चुकी है कि इस वाले एपिसोड में हमें लेजेंडरी पोकेमोन सुइकून देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग बात है। और अगर गाइस तुम सभी को याद हो तो मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि पोकेमोन जर्नीज की एक मूवी आने वाली है जिसमें हमें सुइकून देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर कोई मूवी नहीं आ रही, ये एक एपिसोड है जिसमें हमें सुइकून देखने को मिलने वाला है। तो मुझे जो पहले लीक्स मिले थे उनके हिसाब से इस वाले एपिसोड में एश और गो मिलकर कोई अरोरा विलेज में जाने वाले हैं, जहाँ पर उन्हें सुइकून की मिस्ट्री को सॉल्व करना है, क्योंकि इसे अरोरा पोकेमोन भी कहते हैं, और वहाँ पर यार अरोरा रिसर्चर्स भी हैं, तो इनके साथ में मिलकर एश और गो इसकी मिस्ट्री का पता लगाएंगे। तो ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, रियली ये वाला एपिसोड कुछ स्पेशल ही होगा। और मेरे हिसाब से तो गाइस इस वाला एपिसोड के कुछ पार्ट्स भी आएंगे, मतलब स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक एपिसोड में मुझे नहीं लगता वो लोग इतना ज्यादा कुछ बताने वाले हैं, तो हो सकता है ये वाली स्टोरी 4 या 5 एपिसोड तक चले, तो सच में ये सब इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनीवेज गाइस ये थे 3 एपिसोड के टाइटल जो मैंने तुम्हें बताए हैं। अगर तुम्हें यार इस एपिसोड के बारे में और जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था, इस वाली वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर देख लेना। एनीवेज गाइस ये थे आने वाले पोकेमोन जर्नीज के 3 एपिसोड्स के टाइटल्स जो कि मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है इन एपिसोड के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, एकदम फ्री है, और जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर यार चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। एनीवेज गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Very best, no one ever won.